बिग बॉस 16 को शुरू हुए 6 हफ्ते बीत चुके हैं। बिग बॉस ने कहा था कि इस बार वह खुद खेलेंगे। वह शिव ठाकरे से लेकर अर्चना गौतम तक सबकी क्लास लगाते दिखते हैं, जबकि सच्चाई तो यही है कि बिग बॉस ने इस बार खुद की ही फजीहत करवा ली है। शो में अभी तक बिग बॉस का ऐसा कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं दिखा है जो उनके पक्षपाती या बायस्ड होने की गवाही ना देता हो। एक दो नहीं, पूरे 7 ऐसे कारण हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि बिग बॉस ने अपना ही खेल खराब किया है। कंटेस्टेंट्स का फीका लाइनअप। जी हाँ, बिग बॉस 16 की सबसे बड़ी कमी इस बार कंटेस्टेंट्स का लाइनअप है। शो में कुछ एक को छोड़ दें तो बाकी सभी कंटेस्टेंट्स दमदार नहीं बल्कि फीके हैं। शिव ठाकरे, अर्चना गौतम और अब्दुल रोजिक के अलावा कोई भी दर्शकों के दिल में नहीं उतर रहा। शिव और अर्चना के अलावा एक प्रियंका चाहर चौधरी ही हैं जो थोड़ा बहुत दिमाग लगा रही हैं। बड़े चेहरे फीके पड़ रहे हैं। शालीन भरोट चिकन चिकन में बिजी हैं। सुम्बुल तौकीर सीजन की सबसे ज्यादा फीस लेकर भी क्यों है पता नहीं। टीना क्या करती है समझ नहीं आता, जबकि साजिद खान सिर्फ मोहल्ले के चाचा बने हुए हैं। 6 हफ्ते में अब तक सिर्फ 3 कंटेस्टेंट्स का इविक्शन हुआ है। बिग बॉस के गेम में टिके रहने के लिए सबसे जरूरी है हर हफ्ते इविक्शन से बचना, लेकिन इस बार हालात ऐसे हैं कि किसी को नॉमिनेशन से डर ही नहीं लग रहा। और तो और, 6 हफ्तों में अभी तक सिर्फ 3 कंटेस्टेंट्स सुजिता डे, मान्या सिंह और गोरी नागोरी ही घर से बेघर हुई हैं, जबकि कायदे से 6 हफ्तों में 6 इविक्शन हो जाने चाहिए थे। कई बार तो ऐसा हो रहा है कि बिग बॉस खुद स्वांग रचाकर कंटेस्टेंट्स को बचाते हुए दिख रहे हैं। अब तक शो में कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री भी नहीं हुई है, जबकि बिग बॉस में हमेशा से वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर हल्ला रहता है। यह इंटरेस्टिंग भी होता है क्योंकि कोई एक नया कंटेस्टेंट बीच में आकर बाकी सबके गेम को बिगाड़ देता है, लेकिन 1.5 महीने से अधिक शो बीत जाने के बाद भी अभी तक मेकर्स को कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री के लायक मिला ही नहीं। सुखबुगाहट तो यही है कि कंटेस्टेंट्स के फीके लाइनअप के बाद अब शायद मेकर्स को कोई तगड़ा वाइल्ड कार्ड भी मिल नहीं रहा है। बिग बॉस ने अपने ही नियमों की ऐसी तैसी कर रखी है। बिग बॉस भले ही कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री ना ला पाए, पर खुद भी वह गेम को बेहतर बना सकते थे, इसे इंटरेस्टिंग कर सकते थे, लेकिन इस बार के सारे टास्क फीके हैं, जबकि खुद बिग बॉस अपने ही बनाए नियमों को तोड़ते या बदलते हुए दिख रहे हैं। जब घर के नियम के उल्लंघन पर अर्चना को खुद बिग बॉस ने फैसला लेकर बेघर किया तो फिर उसे वापस बुलाने की जरूरत क्या थी। शालीन को सजा देते हुए बिग बॉस ने हमेशा के लिए उन्हें कैप्टेंसी की रेस से बाहर कर दिया था, लेकिन फिर अचानक उनकी सजा माफ कर दी गई। साजिद खान खुले में सिगरेट पीते हैं, लेकिन बिग बॉस चुप हैं। बिग बॉस ने खुद सृजिता और टीना को कन्फेशन रूम में बुलाकर उनकी बाहरी दुनिया के झगड़े का जिक्र किया था, जबकि शिव ठाकरे ने जब यही काम अर्चना गौतम के साथ किया तो शिव को ही गलत बता दिया। बिग बॉस का एक और दोमुहापन हिंसा को लेकर दिखता है। शो में हमेशा से हिंसा पर बवाल होता आया है, इतिहास गवाह है। उमर रियाज और एजाज खान ने भी बिग बॉस पर सवाल उठाए। अर्चना गौतम को हिंसा के कारण बेघर किया गया, लेकिन फिर उसे वापस बुला लिया, जबकि बिग बॉस 15 में उमर रियाज पर सिम्बा नागपाल के साथ हिंसा करने का आरोप लगाते हुए उन्हें घर से निकाल दिया गया था। इसी सीजन में साजिद खान ने घर में बोतल तोड़ी, शीशे के दरवाजे पर लात मारी, लेकिन बिग बॉस यहां भी चुप है। बिग बॉस पहले ही दिन से साजिद खान को नॉमिनेशन से बचाते नजर आ रहे हैं। हर टास्क को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हर तरफ से घूम फिर कर वह साजिद के फेवर में ही आता है। यही हाल इस बार कैप्टेंसी टास्क का भी हुआ। इस सीजन से पहले बिग बॉस की आवाज सुनकर जहां हर कोई कांप जाता था, दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ जाती थी, लेकिन अब बिग बॉस जो भी बोलते हैं वह गंभीर नहीं होता। हालात तो ऐसे हैं कि बिग बॉस खुद घर में कंटेस्टेंट के साथ मजाक मस्ती करते हुए नजर आते हैं। इसका असर यह हुआ है कि अब हर कोई बिग बॉस को हल्के में लेने लगा है। कुल मिलाकर बिग बॉस अगर सच में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें खुद को सुधारना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।